घर में खाना कौन बनाए, इस वजह से हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दिन हम बाहर खा लिया करें। आजकल ये मियाँ बीवी आपस में डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम करके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, इस वजह से खाना अक्सर बाहर से मंगवा लिया करते हैं या बाहर से खा कर ही घर आते हैं। कुछ लोगों को खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा भारी काम लगता है, इस वजह से अधिकतर वो बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं या रेस्टोरेंट्स में खा के आते हैं। ये जो खुद को हल्का करने की आपकी आदत है वो आपको काफ़ी ज़्यादा भारी करने वाली है। आप बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होने वाले हैं, आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि और आज ही निंदा पर बात करूंगी आपसे, बताऊंगी आपको कि रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या बाहर जो खाना अवेलेबल है उसको खाना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और आपको इस आदत को छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे आज और आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, खाना घर पर ऑर्डर करके मंगवाना, ये जो है आजकल एक ट्रेंड बन गया है और इसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना मंगवाना या बाहर जाकर खाना। किसी भी तरीके से बाहर के खाने को अगर आप हैबिट बना ले रहे हैं तो इस हैबिट से आपको क्यों किनारा करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ये बताएंगे, जो आपको ये समझाने में या समझने में आपकी मदद करेंगे कि आपको क्यों बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाने की। सबसे पहला जो रीज़न है बाहर का खाना अवॉइड करने का वो ये है कि बाहर का जो खाना होता है या रेस्टोरेंट्स में जो खाना अमूमन मिलता है वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग होता है, जिसकी वजह से बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक पहला रीज़न हुआ जिसकी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए रेस्टोरेंट का खाना। रेस्टोरेंट्स में जो मीट आपको सर्व किया जाता है वो केमिकली ट्रीट किया हुआ होता है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, साथ ही उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा हाई होता है जो आपको आपके बाथरूम क्लीनिंग लिक्विड में मिलेगा, फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको मीट में नॉर्मली मिलते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको इसे खाना है या नहीं। जो रेस्टोरेंट्स में सूप आपको सर्व किया जाता है वो सूप होता है जो सूप मिक्सचर पैकेज्ड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स में जो डेजर्ट्स और सोडा हम जनरली ऑर्डर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर का भंडार है। शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वाइट रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल होता है जो मेजर रीज़न है आपके बेली फैट का, आपको इंसुलिन रेसिस्टेंट बना देगा और कई तरीके की बीमारियां साथ में लेकर आएगा। रेस्टोरेंट्स में जनरली प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी का एक प्रमुख कारण है। लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको रेस्टोरेंट्स के खाने में ज़रूर मिलेगी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो है वाइट रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। इसे पचाने में एक तो आपके शरीर को 3 से 4 दिन लग जाते हैं कभी कभी, साथ में ये आपके मेटाबॉलिज्म को ख़त्म कर देगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से चौपट कर देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो आप तमाम तरीके की बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। मैक्सिमम बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर पाचन तंत्र की वजह से होती है और पाचन तंत्र को ख़राब करने का या उसे चौपट करने का काम हम खुद करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आपको कई तरीके की बीमारियां देगी। मैदा एक तो आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं देने वाला है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ऐसी चीज़ आप खा के सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस ये था कि आपको ये पता हो कि आप जिस लत के शिकार अनजाने में हो रहे हैं या जानबूझकर हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, वो आपको न स्वस्थ शरीर देगा न स्वस्थ मन देगा। आपकी जेब सिर्फ हल्की होगी,
पहले आप खाना खाने में खर्चा करेंगे, बाद में आप दवाई खाने में खर्चा करेंगे। तो आप खुद सोचिए, सूझबूझ के साथ कोशिश कीजिए, जितना कम हो सके बाहर जाके खाना खाइए या बाहर के खाने को घर में लाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।